प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि पासवा की झारखंड इकाई की ओर से राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रांची के खेलगांव में आयोजित इस कार्यक्रम में सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड में 80% से अधिक अंक लाने वाले 10,000 छात्रों और उनके शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के वित्त मंत्री सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, पासवा प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे और पासवा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार ने। राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। सर, पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ है, कितना क्या कहेंगे? पहले तो बताऊं कि राज्य के पासवा शाखा से मैं भी जुड़ा हूं। मुझे अच्छा लगता है छात्रों और शिक्षकों के बीच में रहना। हम लोग ने तय किया कि हम 80+ जितने भी ऊपर हैं सबको सम्मानित करेंगे। इसलिए सम्मानित करेंगे कि 80, 85, 90 जिसको आया है वो किसी माने में कम नहीं है। क्या उन छात्रों और छात्राओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि वे पढ़ना चाहिए। देखिए, शिक्षा से मैं समझता हूँ तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य नंबर एक, उनका मानसिक विकास करना। दूसरा ये कि शारीरिक विकास करना, खेलकूद होता है स्कूल में, शारीरिक विकास करना। और तीसरा ये कि चारित्रिक विकास करना। इस तरह का पहला बड़ा भव्य आयोजन पासवा ने किया है, क्या संदेश देने की? मुझे लगता है देश में और इस राज्य में 10,000 से अधिक बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन न किसी सरकारों ने करने की सोच रखी थी और न किया होगा। पासवा के हमारे छोटे छोटे साधारण स्कूल के निजी संचालकों का यह फैसला कि हम 80% से ऊपर के बच्चों को सम्मानित करेंगे, अदम्य उत्साह, झारखंड के कोने कोने से लोग आए। इतना भव्य रूप से 10,000 छात्रों को सम्मानित किया गया। देखिए, आज 10,000 से ऊपर, संख्या भी नहीं बता पाएंगे मगर 10,000 से ऊपर है। ये एक सोच थी हम सबों की, हमारे जो साथी अध्यक्ष हैं किशोर जी है, आलोक जी है, कि जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है, प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टर्स हैं, हम लोगों ने एक मीटिंग किया था कि छात्रों को और इस राज्य को चाहिए क्या। तो दो बातें मूलतः आई बाहर, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। और जिस राज्य का छात्र शिक्षित होगा उस राज्य का विकास होना होना है। उनके गार्जियन को भी खुशी कि हमारा बच्चा इतना बड़ा काम किया कि इस राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में, इस ऐतिहासिक क्षण में, इतने ऐतिहासिक स्टेडियम में वो भी उसके गवाह बने। एक ऐतिहासिक क्षण जिसके वो गवाह बने। कैमरामैन अरविंद के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।